आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल के कुछ मिसलेनियस चीजों के बारे में, ठीक है। तो इंसर्ट मेनू बार में हम चार सेक्शन खत्म किए थे। अब यहाँ पे देखिए स्पार्क लाइन होता है, ये भी चार्ट जैसा ही होता है लेकिन एक सेल के अंदर लगता है। जैसे मैंने मान लीजिए कि नेम है और यहाँ पे मंथ है, मान लीजिए पूजा और ऐसे और भी नाम हो सकते हैं। मुझे इन सबों की जो चार्ट है मुझे सेल में दिखाना। ऐसे मेरे पास मान लीजिए कि और भी बहुत सारे नाम, तो मैं अलग से चार्ट नहीं, इसी का चार्ट में इसी के सामने एक एक रो में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पार्क लाइन में से लाइन बाई चाहिए तो लाइन को लीजिए और डेटा को सेलेक्ट कर एंड को, अब इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक ठीक ठीक, नंबर चेंज करता हूँ। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। लेकिन मुझे स्पार्क लाइन में लाइन नहीं चाहिए, मुझे मान लीजिए चाहिए क्या, कॉलम। कॉलम तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा, ये आपका इस तरह से कॉलम बाय जा जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चौड़ा कीजिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो एक सेल में पैक कर सकते। इसका यूज हम लोग उस डेटा पे करते थे, डेटा के ऊपर चार्ट नहीं बना, चार्ट तो सभी पे बनती है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, डेटा है वहां पे दिक्कत हो रही, कब इंडिविजुअली कंपेयर करना है, तो इस तरह के स्पार्क लाइन को इस्तेमाल किया। तीसरा आता है विन लॉस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर दो तरह के है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो आप विन लॉस का यूज करें, नेगेटिव वाला नीचे कर मिला पॉजिटिव वाले। और विन और लॉस को हम सर से अपने ऑर्डर में भी डाल सकते हैं कि विन एक तरफ लॉस एक तरफ, नहीं वो नेगेटिव पॉजिटिव फिक्स होगा। इसको अप्लाई कीजिएगा सर एक मिनट, समझ में आ गया सर। लिंक पे हाँ जी, स्लाइसर का, हाँ जी स्लाइसर का पता है। जैसे मान लिजिए कि हमने यहाँ पे गूगल लिख दिया, या फिर मान लीजिए कोई सीट है आपकी, जैसे डेटा सीट है, तो इस पे क्लिक करूँ तो एक ऐसे एक यूआरएल खुले, मतलब कि google.com खुल जाए, मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा फाइल ओपन हो जाए। इसमें हम हाइपरलिंक लगा देते हैं, जैसे लिंक इंसर्ट यहाँ पे www.google.com आ गया। अब इस पे क्लिक करते हैं, हमारा गूगल ओपन हो जाए जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें। ठीक ठीक ठीक, इस पर मान लीजिए करना है तो सेफ राइट क्लिक करके भी की जा सकती है, उस तरह से कंट्रोल के कीजिए आपका यहाँ पे
कोई फाइल है, कोई पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सर वो कोई भी किस कोई भी फॉर्मेट की फाइल हो सकती है। कोई भी फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए मैं ये नोट पैड सिलेक्ट करूँ, ठीक है, ठीक है। और अगर सर मैंने यहाँ पे पिक्चर डालनी है, मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई पीडीएफ की फाइल है, मैंने वो अटैच करनी है, डाटा के आगे कॉलम ई में आपने कोई पीडीएफ की फाइल लगाई है, उसके छोटा आइकॉन भी बना हुआ और मैं उसके पर क्लिक करूँ तो वो पीडीएफ की फाइल खुल जाए। मैं बताता हूँ, सीट पे जाना है, सीट हमारा कोई सीट लिंक करना है, यहाँ पे हम लिंक और यहाँ देखिए बुकमार्क, अगर बीच इन फाइल के अंदर जाना है ना बताया नहीं सर, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल वही मेरा बाद में बताएंगे कि अगर मैंने कोई पीडीएफ का लिंक लगाना है। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा देर में बताता हूँ, बस सब्र कीजिए। आपको कि कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी कभी भी कर्सर इस पे जाएगा तो इस पे कमेंट दिखेगा, उसको हटाना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, डिलीट कमेंट, रिमूव कमेंट, कमेंट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जो है टेक्स्ट आता है, तो टेक्स्ट में आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो बताइए आपको सर। हाँ जी। दूसरा आता है हीडर फुटर, चलिए हीडर फुटर पे हमें डेटा चाहिए, डेटा लें। जब आप डेटा को प्रिंट करेंगे तो होता है ना पेज नंबर्स या टाइटल्स या डेट या लोकेशन। हाँ जी सर। तो फिट करने के लिए यहाँ हमारा हीडर फुटर का ऑप्शन होता है, जिसे आपने प्रिंट कमांड दिया, यहाँ पे कुछ हेडिंग देना चाहते हैं चाहे यहाँ पे अपना फुटर देना चाहते हैं, वो चीज आप इंसर्ट हीडर एंड फुटर से कर सकते हैं। आ गया सर, इस तरह का इस तरह हीडर होगा, हीडर का तीन पार्ट है, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, लेफ्ट राइट में जो डालना चाहे डाल सकते हैं। मान लीजिए कि रिपोर्ट डेटा, उसके अलावा आप चाहते हैं कि जिस दिन प्रिंट हो उस दिन का डेट आए, यहाँ पे दिख रहा होगा करेंट डेट, करेंट टाइम, फोल्डर पाथ, फाइल पाथ, ये सब दे सकते हैं, जिसपे क्लिक करेंगे वो आपका है, या कोई पिक्चर्स या लोगो वगैरह यहाँ आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस, पेज नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप फुटर में करेंगे ना, पेज नंबर तो फुटर में होता है ना सर। हाँ जी, हाँ जी। फिर फुटर में हम यहाँ फिर हम आते हैं गो टू फुटर, यहाँ दिख रहा होगा फुटर, फुटर पे क्लिक किया तो फुटर में क्या क्या डाल सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, लेकिन आप इसको नीचे ड्रॉ कीजिए, ड्रैग कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जी सर, फुटर में क्या क्या डाल सकते हैं, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेज, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, हेलो। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नंबर ऑफ पेजेस आप देखते होंगे ना, वन ऑफ द टेन। हाँ, वन ऑफ द टेन। हाँ जी, मतलब कि उसे पता चलता है कितना नंबर का ये सेट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए पेज, और यहाँ पे डालिए ऑफ, अब क्या हो जाएगा, वन ऑफ द 11 ऑफ 22 दिख रहा है, 11 पेज जी। और 22 तो चलेगा, तो बाकी चीजें भी आप फुटर में डाल सकते हैं, छोटी सी चीज है, आप खुद भी ट्राई करोगे तो आ जाएगा। वापस नॉर्मल में आना लाना है तो यहाँ दिख रहा होगा नॉर्मल व्यू, ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, आपका डेटा नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ए आर्ट है, इस तरह की आर्ट आप डाल सकते हैं, कुछ बनाते हो तो, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया
एडवांस अभी जो है इस तरह से दिख गया। यहाँ पे इसकी फॉर्मेट से जैसे आपने नंबर और सेफ्स की फॉर्मेटिंग की थी, सेफ्स एंड पिक्चर की फॉर्मेटिंग की, तो सारे फॉर्मेटिंग टूल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ आपके सारे फॉर्मेटिंग की स्टाइल्स है, जो स्टाइल लेना चाहे इसके कलर्स वगैरह, बाकी सब ये वही है जो कि मैंने आपको सेफ्स भी बताया। हाँ जी ओके। सिग्नेचर लाइन, अब जैसे कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं ठीक है, तो सिग्नेचर के लिए अगर आप लिख देते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि बॉस यहाँ यहाँ सिग्नेचर की क्या होता है। जैसे आपने एड सिग्नेचर लाइन कर दिया तो सिग्नेचर कहाँ करेगा, उसका एक पैटर्न आ जाता है। तो मैंने एक एग्जांपल डाल दिया सुजीत कुमार ठीक है, यहां पे डाल दिया एक्सल वेट कुमार, ठीक है जहां रखना चाहो हर जो प्रिंट आउट होगा तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे सिग्नेचर है। ओके ओके ओके, तो इसके लिए हेडर फुटर लगा के उसमें इसको डालना पड़ेगा। नहीं जहाँ सिग्नेचर तो हेडर फुटर तो लगता है, आपको जहाँ जरूरत है फॉर्म के अकॉर्डिंग जो फॉर्म आपने बनाया है। ओके ओके ठीक ठीक समझ गया सही सही। ऑब्जेक्ट, मैंने पहले आपने कुछ सवाल पूछा था उसका जवाब अब मिलेगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट मतलब कि एक्सेल के अंदर में आप जो है कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, अदर कोई अदर एप्लीकेशन या अदर एप्लीकेशन की फाइल ओपन कर सकते हो। ओके मैं चाहता हूँ यार या पावर पॉइंट, तो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं जो वर्ड डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट किया। या ओके मैं थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, है तो एक्सेल ऊपर सारे फीचर्स वर्ड की आ रही है, इस पे काम भी जो भी हम करेंगे वो सारा वर्ड जैसा ही। ओके मतलब कि हमने एक वर्ड को एक्सेल में खोल दिया, जैसे बाहर इस पे क्लिक करेंगे वापस एक्सेल हो जाएगा। ओके इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि आपने चार्ट बनाया चार्ट को मुझे अपने जहाँ रखना था मुझे छोटा करके रखना था W1C, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई इस पर डबल क्लिक करे तो बड़ा हो जाए फुल स्क्रीन में, तो हम क्या करेंगे इसको कट करते हैं। कट करने के बाद इंसर्ट में ऑब्जेक्ट में आता हूँ, यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन Yes, पावर पॉइंट में खुल जाएंगे। ठीक ठीक पूरा हो गया ना स्क्रीन, पूरा फुल स्क्रीन में आपने देखा होगा।
हाँ जी हाँ जी, नहीं लिंक क्रिएट हो गया उसका पावर पॉइंट का एक्चुअली ना उसके अंदर। ठीक है, बनी बनाई फाइल है उसको कैसे देगा? वो भी इसी से हुआ है, ये फाइल वो भी एप्लीकेशन की फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ हो चाहे कुछ भी हो आप सेलेक्ट कर। मान लीजिए मैंने यहाँ काम करता हूँ कि ईमेल, ठीक है, ठीक है, लिंक टू फाइल एंड जेपीजी। ओके, अब इस तरह की आइकन नहीं चाहिए आपको तो चेंज आइकन, जो आइकन चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते, इस आइकन में ओपन सीज को कर दो, ओके कर दिया। अब जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा ओपन हो गया, ठीक ठीक सर, ओपन करने का फॉल्स ऐसी एक्सटर्नल फाइल और फाइल पीडीएफ फाइल सब कर सकते हैं। और अगर सर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिंक क्रिएट किया और अगर पीछे से किसी ने फाइल ही डिलीट कर दिया तो फिर भी मिलेगा? तो ये पूरी चेक नहीं किया, आप चेक करके देखिए। चले सर, जो चीज मैंने नहीं किया मैं कैसे बोलूं मैंने किया है? मान गलत हो गया तो मैंने सर गलत बताया। नहीं नहीं नहीं, मैं देखूंगा इसको ना। सिंबल है इसी तरह की इक्वेशन वगैरह आपको लिखना होगा, तो आपको मैथमेटिकल इक्वेशन तो इसका इस्तेमाल करके यहाँ ला सकते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन में जो लिखना है जैसा लिखना है वैसा लिख सकते हैं, इसको ऊपर देखेंगे सेव फॉर्मेट में। ठीक 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 है, हाँ जी, यहाँ इक्वेशन में आएंगे तो इसका सिंबल आपको दिखता है, क्योंकि नॉर्मल है सिंबल कीबोर्ड पे तो मिलता नहीं है। हाँ जी, इसमें होता है सैंपल। सैंपल में क्या होता है, किस तरह का सैंपल आपको इंसर्ट करना हो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट करना है क्लिक कीजिए एक्सपोज, हो गया, इस जरूरत है तो इंसर्ट कर सकते हैं, जो कीबोर्ड में नहीं है कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। तो मैंने इंसर्ट मेनू बार खत्म कर, इंसर्ट के बाद आता है आपका पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में मुझे देना होगा एक फाइल, किसी को देखते हैं पेज लेआउट मतलब पेज की सेटिंग। सबसे पहले तो आपका एक थीम है कि किस तरह का थीम होना चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है, बस ऐसे ही तस्वीर के लिए कलर उसी तरह से थीम कलर डिफॉल्ट कलर सबका क्या होना चाहिए, ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट है डिफॉल्ट इफेक्ट। इसमें मेन मेन जो है पार्ट है वो है पेज सेटिंग। अब पेज सेटिंग को देखिए ध्यान से, सबसे पहले आता है आपका मार्जिन। मार्जिन समझते क्या होता है? हाँ जी, मतलब प्रिंट के लिए वो मार्जिन के अंदर है, आपने कैसी प्रेजेंटेशन चाहिए? इसलिए मार्जिन ये होता है जब प्रिंट प्रिंटर से प्रिंट करते हैं ना। हाँ जी, लेफ्ट राइट मिड में जो है कुछ जगह छोड़ता है ना। हाँ जी, उसको मार्जिन कहते हैं। हाँ जी, एक फोर साइज में प्रिंट करते हो तो नीचे से लेफ्ट से राइट से टॉप से एक इंची के आसपास जगह छुटी रहती है ना। हाँ जी, मार्जिन कहते हैं ये जो जगह है ना, वो मार्जिन को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये भी नॉर्मल मार्जिन है, एक ग्रिड हो गया, नैरो मार्जिन हो गया। तो नैरो मार्जिन में क्या होगा कि जगह देख रहा कम छूट जाएगा, देख रहा आपको। या फिर जैसे कि कोई लेफ्ट हैंड रोल पर प्रिंट निकालते हो तो कस्टम मार्जिन में आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि टॉप में कितना होगा मिड में कितना होगा, लेफ्ट हैंड के हिसाब से इंच नाप लीजिए और इंच भी दे दीजिए। ओके ओके, कितना इंच कितना मतलब कि ऊपर नीचे होगा, ताकि आपका जब लेटर हेड प्रिंट निकलेगा तो आपका लेटर हेड का जो हेडिंग होता है, जो लेटर हेड का रूप में हेडिंग होता है। हाँ जी, हेडिंग ओवर है इतना। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग क्या करते थे, सैलरी का जो डेटा होता था ना,
सैलरी ट्रांसफर होती थी, तो किसको कितनी सैलरी और किस अकाउंट में भेजनी है, मैं बैंक को लेटर एट में साइन करके भेजता हूँ, तो सब ऑनलाइन कर दिया है ना। हाँ जी, क्या बता था जो बात हम बता रहे हैं आपको 2003-4-5 की। ठीक ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, लेटर पे लेना होता था डेटा पूरा, लेटर की मार्जिन सेट करनी होती थी, तो क्या होता खराब होता था लेटर, खराब होता हर लेटर की एक हिस्ट्री होती थी, आपके लेटर मान लीजिए मिसप्रिंट हो गया, खराब हो गया, फट गया, उसकी बराबर रजिस्टर मेंटेन होती थी और उसको रिकॉर्ड रखा जाता था, क्योंकि लेटर की मिसयूज भी हो सकता है ना सर। हाँ जी बिल्कुल, सिग्नेचर कौन वेरीफाई करता है, लेटर वेरीफाई करता है, माना किसी ने अपने लेटर अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डाल लिया और साइन अपना कंपनी का मार दिया, लेटर एंटर मोहर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ऐसा करना पड़ता था कि मैं लेटर खराब ना, तो यहाँ ये समझ गया आप मार्जिन। हाँ जी, मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन, आप प्रिंटर जो होगा टॉप टू डाउन होगा या लेफ्ट टू राइट होगा, मतलब कि ओरिएंटेशन पेज कैसा करेगा, पेज पे टॉप टू डाउन प्रिंट करेगा, पोर्ट्रेट करेगा या लैंडस्केप करेगा, लैंडस्केप करेगा, ठीक हो गया। उसे आपने प्रिंटर में पेपर कौन सा लगा रखा है, लेटर है, लीगल है, ए4 है या एनवेलप वगैरह लगा रखा है, वो यहाँ साइड करना। अब आता है प्रिंट एरिया, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे पूरा प्रिंट नहीं करना, जैसे आपका एक रिपोर्ट फॉर्म है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने स्लाइसर लगा रखा था। हाँ जी, अब मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ कि टेबल में मैं स्लाइसर इंसर्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहां रख दिया, अब मुझे अपने प्रिंटआउट में, अपने प्रिंटआउट में मुझे इस स्लाइसर को प्रिंट नहीं करना है, अगर मैं प्रिंट देता हूं तो आप देखेंगे स्लाइसर प्रिंट हो रहा है। हाँ जी, स्लाइसर प्रिंट नहीं करना है, तो आप एक प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया प्रिंट एरिया, इतना एरिया कहां से पेज लेआउट से प्रिंट एरिया, अब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा सिर्फ वही एरिया प्रिंट होगा। ओके ओके ओके, पेज पे मान लीजिए कि क्या होता है कि लेटर हेड पे हमारा जो लेटर हेड पे हम चाहते हैं कि फर्स्ट जो है 5 ही आए, उसके बाद नीचे आए, अब प्रिंट एरिया में क्या होगा कि उतना ही प्रिंट एरिया प्रिंट होगा, बाकी एरिया प्रिंट नहीं होगा, लेकिन मुझे क्या करना है कि फर्स्ट पेज पे टॉप ऊपर के 5 है वो प्रिंट होना चाहिए, बाकी नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होना चाहिए, तो यहां से पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। और देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट पेज पे आपका 5 ही आया, उसके बाद नीचे जो है पेज पे बाकी एट आया। ओके, कहीं से भी हम जो रो को सिलेक्ट करके पेज ब्रेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड डाल दिया तो बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगा, पर प्रिंट में ही नहीं आया। ठीक ठीक ठीक, इसका कोई खास यूज नहीं। प्रिंट टाइटल, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम प्रिंट करते हैं तो टाइटल हमारे फर्स्ट पेज पे आ रहा है, लेकिन बाकी पेजों पे टाइटल नहीं आ रहा है। हाँ जी, हम चाहते हैं हर पेज पे टाइटल आए, तो प्रिंट टाइटल, और यहाँ पे आप जो है रिपीटेड रो रिपीटेड टॉप को सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके, प्रिंट करेंगे तो आपको हर पेज पे टाइटल आए। ठीक 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 ठीक, देखिए मेरा जो प्रिंट है, अब मैं पेज पे प्रीव्यू पे आता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो प्रिंट है वो प्रिंट, अब मैं यहाँ पर स्लाइसर को रिमूव कर देता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा प्रिंट प्रिंट जो है 2 पेज में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा तो 1 पेज में आ रहा है, तो मैं इस चीज को लेके यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ या फिर ऊपर दिख रहा है। हाँ जी,
तो मैं यहाँ पे वन पेज सेट कर दूंगा फाइनली। तो इसे ओके ओके प्रिंट छोटा हो के एक पेज पे ही आ जाएगा, दिख रहा है? हाँ जी हाँ जी। ये चीज आप कर सकते हैं इससे। उसके बाद इसमें अगला है, जैसे कि मान लीजिए कि ग्रिड लाइन है, जैसे कि ग्रिड लाइन दिख रहा है आपको, इसको नहीं दिखाना है तो हटा दीजिए, दिखाना है तो ठीक है। प्रिंट करना है, जैसे कभी कभी क्या होता है डेटा में, जैसे डेटा है ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें बॉर्डर नहीं लगाना है बट लाइनिंग आनी चाहिए। ग्रिड लाइन के नीचे प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट करने के बाद जैसे प्रिंट कीजिएगा ना, देखिए लाइनिंग दिख रहा है, लाइनिंग प्रिंट में आएगा। ऐसी देखिए एबीसीडी हिडर है, इसको अनचेक कर दीजिएगा तो नहीं दिखेगा, क्लिक कीजिएगा तो दिखेगा, और इसको प्रिंट कर दीजिएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एबीसीडी दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, ये भी प्रिंट में आ रहा है। ठीक 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 ठीक। बाकी तो ये अलाइनमेंट है, ये तो आपने इसमें स्टेप्स में पिक्चर्स में किया ही है। यहाँ पे हम तीन मेनू बार खत्म कर चुके हैं। पहला है हमारा होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट। बोलेंगे ड्रॉ बीच में आ रहा है, तो ड्रॉ जो है एक्सेल का टूल्स नहीं है, एक्सेल दी गई टूल्स है, ये अलग है, आपके सिस्टम में नहीं हुआ देखिए। हाँ जी मेरे सिस्टम में नहीं है ड्रॉ, अलग है वो, किसी और के साथ ड्राइव है मेरा, ठीक है एंड इंसर्ट ठीक से। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले आप जो है अभी तक की पढ़ाई सारी चीजों पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। मिलते हैं कल सेम टाइम, कल या मंडे को, मंडे ओके बाय। ठीक है ओके सर।